दोस्तों, मैं हूँ ज्योति शर्मा और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ आपके अपने चैनल भूख अड्डा पे शाही टोस्ट की रेसिपी। तो चलिए, इस स्वीट को बनाने के लिए मैं रेसिपी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, तो देखते रहिए। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बची हुई चाशनी से हम इस स्वीट को इंस्टेंट बना सकते हैं और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। हाँ, मैंने एक फ्राई पैन लिया है। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच घी डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। अब हम इसमें एक कप मिल्क पाउडर डालेंगे और इसे धीमी आंच पर हाफ मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। मिल्क पाउडर रोस्ट हो गया है। अब हम इसमें एक कप दूध डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। लगातार इसे धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए चलाते रहेंगे। ध्यान रहे इसमें कोई लम्स ना रहे। तीन से चार मिनट बाद यह रबड़ी हमारी गाढ़ी होने लगेगी और इसका कलर सुनहरा हो जाएगा। रबड़ी हमारी गाढ़ी होने लग गई है। अब हम इसमें एक छोटा कप शक्कर की डालेंगे और इसे फिर 2 से 3 मिनट के लिए मिलाएंगे और इसे पकने देंगे। धीमी आंच पे इसे लगातार चलाते रहना है ताकि ये जले ना। शक्कर हमारी गल चुकी है। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और इसे फिर मिक्स कर लेंगे। अब हम इस रबड़ी को प्लेट में निकाल कर ठंडा होने देंगे। जब तक हमारी रबड़ी ठंडी हो रही है तब तक हम हमारी जो बची हुई चाशनी है उसे गर्म कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक फ्राई पैन लिया है। अब हम इसमें गुलाब जामुन की जो बची हुई चाशनी है उसे डालेंगे और इसे अच्छे तरह से गर्म कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। चाशनी हमारी गर्म हो गई है। अब हम इसमें टोस्ट डिप करेंगे। ज़्यादा देर टोस्ट को डिप नहीं करना है, बस एक बार इसे चाशनी में डिप करके निकाल लेना है। ज़्यादा देर अगर हम इसे डिप करेंगे तो ये गल जाएंगे, इसलिए एक बार डिप करके इसे इंस्टेंट निकाल लेना है। देखिए, एक एक करके सारे टोस्ट मैंने निकाल लिए हैं डिप करके। टोस्ट आप कोई भी यूज़ में ले सकते हैं। मैंने यहाँ ब्रिटानिया के इलायची फ्लेवर वाले टोस्ट यूज़ में लिए हैं। अब हम इन पर रबड़ी अप्लाई करेंगे। अब हम गार्निशिंग के लिए यहाँ पे काजू बादाम और पिस्ताचू फ्लेक्स इनको रबड़ी के ऊपर लगाएंगे। देखिए, बनकर तैयार है हमारे शाही टोस्ट। आप भी ट्राई कीजिएगा।
मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, बाय।